बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर अदालतों से लेकर देश की सड़क तक पर जो गंभीर सवाल खड़े लोग कर रहे हैं उस पर आज की डेट में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद के सबसे बड़े सियासी लो पर शायद यह पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हर दांव खाली जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को बोलते नहीं बन रहा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है कि बंगाल में किस तरह की अराजकता है भाई। अस्पताल के भीतर एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, उसका मर्डर होता है और पुलिस प्रशासन जिस तरह से इस पूरी घटना को टैकल करता है उससे वो सवालों के घेरे में। हर तरफ एक ही सवाल है कि बंगाल में चल क्या रहा है और क्या यह संकेत है कि बंगाल में दीदी का राज अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, धरा पड़े ओके तो हमें मन ही करछी ना, ओ भेतर लोक ना थाकले बाइरे रखी करे जानलो आमार मेये ओखाने आछे। पुरो डिपार्टमेंट मने होच्छे दायी एर जन्य, भीतरेर लोक बोलते आमी पुरो डिपार्टमेंट के ही बोलछी। आप ममता द डिस्ट्रॉयर निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए, एक मार्च निकालती है, ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही है? केसटा আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিই। বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করি। গম্ভীরতা সে সোচনা হোগা কি আমারি মাতা ও বহনো বেটিও কে প্রতি জো অত্যাচার হো রহে उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। देख रहे भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अराजकता का पैमाना क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का चरमराना क्या होता है, पूरे सिस्टम का मिलकर किसी संगीन मामले को दबाना क्या होता है, इसे समझना है तो बंगाल देख लीजिए। एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या, सिस्टम पर सबूतों को मिटाने के आरोप, अपराधियों को बचाने के आरोप, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की फटकार, न्याय के लिए सड़कों पर आक्रोशित डॉक्टरों का भूचाल और न जाने क्या क्या। अब भी कहें कि बंगाल में सब ठीक है? तीखे सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि सिस्टम कहाँ है, पुलिस कहाँ है, सरकार कहाँ है। ये तीन सवाल बंगाल के उच्च न्यायालय से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार पूछे गए और जवाब गोल गोल मिले। तो सवाल ये है कि क्या कोई मंशा है वास्तव में पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की? लेकिन बंगाल से उठते ये सवाल न ही विपक्षी नेताओं की जुबान पर हैं और न ही जननायक बनने को बेचैन नेता प्रतिपक्ष की कमान पर। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। तो क्या जाति धर्म देखकर अब जनता के मुद्दे विपक्ष उठाएगा? इस सवाल का जवाब तो हम आगे तलाशेंगे, लेकिन फिलहाल तो बंगाल है, अव्यवस्था के खोल में छुपी बंगाल की व्यवस्था है। ममता बनर्जी की सरकार ने पूरे तौर पर इस जघन्य अपराध के पीछे जितने भी अपराधी हैं, उनको बचाने की, उनके अपराध को छिपाने की शुरू से ही काम किया। ये मेरा आरोप नहीं है,
ये फैक्ट्स और फिगर्स और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवाब नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट के सवालों का। वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन हर बार इन सवालों को आक्रामक रुख के साथ चुनौती भरे लहजे से खारिज कर देने वाली ममता दीदी से इस बार कुछ बोलते नहीं बन रहा। जनता के भरोसे की नींव बहुत गहरे तक ही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक की मंशा और नियत गहरे सवालों में खड़ी है। लेकिन हैरानी तो ये है कि शुरुआती दौर में पुलिस ने उल्टे मीडिया को ही हंगामा खड़े करने के लिए जिम्मेदार किया। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case. वैसे कायदे से यही सवाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें खत्म कर देने का अंदेशा वहां भी जताया गया है। दरअसल आत्मश्लाघा से भरी आक्रामकता का पुट भले ही कोलकाता कमिश्नर के लहजे में दिखा हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत तक ने पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदेवाला ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। बंगाल पुलिस का कामकाज चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देते नहीं बना। जैसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की? अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि ये मर्डर का केस है, तो फिर ये देरी क्यों की गई? अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है, और कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? जिस पुलिस को इस रेप एंड मर्डर केस को सॉल्व करना था, वही पुलिस आज कटघरे में। मेडिकल कॉलेज के जिस प्रिंसिपल से सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि जब अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया तो एफआईआर उसने दर्ज क्यों नहीं कराई, यहां उस प्रिंसिपल को हटा करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में इतने पेच फंस गए हैं कि कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भले इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही हो, लेकिन सच ये है कि जितना हो सकता था उतना सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी। और आयरनी देखिए कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों पर सख्त कानून बनाने की अपील करती है। ये कमाल नहीं है? निर्भया कांड के बाद तो कानून ऑलरेडी बना हुआ है ममता जी, लेकिन अब क्या पीएम मोदी नया कानून बनाकर बंगाल पुलिस को सिखाएंगे कि हत्या को सुसाइड नहीं बताना है, या क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, या एफआईआर कब दर्ज होनी चाहिए? दरअसल ममता बनर्जी की चिट्ठी का एक ही मकसद था कि वो ये दुनिया को ध्यान दिला सकें कि देश में रोज 90 रेप केसेस होते हैं, और बंगाल की घटना कोई अकेली घटना नहीं। वैसे तो ये अपने आप में ही शर्मनाक है कि कोई देश में रोज होने वाली रेप की संख्या याद दिलाए जब इतनी नृशंस रेप और हत्या की घटना हो जाए। लेकिन मैडम एक बार सोचिएगा जरूर।